हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस का पार्ट 2 आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था, जड़ बताया था जड़ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जड़ के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं जड़ के कार्य, क्या होते हैं आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जड़ पौधे का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जड़ के बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता। जड़ पौधे को भूमि से जकड़े रखती है तथा उसे गिरने नहीं देती। जब पौधे के जीवित रहने के लिए आवश्यक पानी तथा अन्य खनिज पदार्थों को भूमि से चूसती है, कुछ पौधे जैसे मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद, चुकंदर आदि अपने भोजन को जड़ों से ही संग्रह करते हैं। इन जड़ों को हम भोजन के रूप में खाते भी हैं। जड़ के कार्य क्या होते हैं? ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनको स्थिर रखती है, मतलब उनको ज़मीन में क्या रखती है, जकड़े रखती है। भूमि के अंदर उन्हें क्या करती है, जकड़े रखती है। मतलब जो भी पेड़ पौधे जो खड़े हैं वह जड़ के कारण ही पेड़ पौधे भूमि पर खड़े हैं, क्योंकि जड़ क्या होता है, पेड़ पौधों को भूमि से जकड़े रखती है तथा उसे क्या करती है, गिरने नहीं देती है। जड़ पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक पानी तथा खनिज पदार्थों को भूमि से चूसती है। जो जड़ होता है वह कहाँ होती है, भूमि के अंदर होती है। तो जड़ जो होता है वो क्या करता है कि भूमि के अंदर से जो जल होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, उन्हें क्या करती है, वह उनको जल से अवशोषित, भूमि से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पेड़ पौधे के अन्य भागों तक उसको पहुँचाती है। ठीक है, क्या करती है, पेड़ पौधे जो जड़ होता है वह क्या करती है, भूमि से जो भी जल होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उन्हें अवशोषित करके पेड़ पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है तथा उन प्रकाश संश्लेषण में भी वह सहायता करती है। कुछ पौधे जैसे मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद, चुकंदर आदि अपने भोजन को जड़ों से ही संग्रह करते हैं। जो भी मूली है, गाजर है, शकरकंद है, ये सब अपने भोजन क्या करते हैं, जड़ से ही संग्रह करते हैं। इन जड़ों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। जो ये पौधे हैं जैसे मूली है, गाजर है, शलजम है, इनके हम क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। इनकी जड़ों को हम क्या कहते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। तो जड़ के कार्य क्या होते हैं, जड़ का मुख्य कार्य यही है कि वह भूमि के अंदर से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके अन्य पौधों के अन्य भागों तक उसको पहुंचाती है या भोजन प्राप्त करने में सहायता करती है। अब है तना। क्या है तना? तना बीज से निकला हुआ वह भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर रहता है। पेड़ों का तना बहुत कठोर तथा मोटा होता है। पौधों का तना सदैव प्रकाश की ओर बढ़ता है। सांक जैसे प्याज, केला आदि का तना मुलायम तथा हरा होता है। लताओं का तना हरा तथा बहुत कमजोर होता है। तनों से ही शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल आदि निकलते हैं। तना क्या होता है? तना बीज से निकला हुआ वह भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर रहता है। जो तना होता है वह बीज से निकलता है। अब क्या होता है, वह प्रायः ऊपर रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। पेड़ों का तना क्या होता है, बहुत कठोर होता है। कुछ पेड़ों के तने बहुत कठोर होते हैं और कुछ जो झाड़ियाँ होती हैं, शाख होते हैं, उनकी जो तना होती है वो क्या होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है। ठीक है, पौधों का तना सदैव प्रकाश की ओर बढ़ता है। हम देखते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी तना कहाँ होती है, प्रकाश की ओर रहती है, प्रकाश की ओर बढ़ती है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है, किधर बढ़ती है, ऊपर बढ़ती है। जैसे सांक, जैसे प्याज, केला आदि का तना मुलायम तथा हरा होता है। जो प्याज हैं, केले हैं और भी पौधे हैं उनकी जो तना होती है वह कैसी होती है, मुलायम होती हैं और कैसा होता है, हरा होता है। लताओं का तना हरा तथा बहुत कमज़ोर होता है। जो लताएं होती हैं, झाड़ियां होती हैं, उनकी जो तनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हरी भी होती हैं और बहुत कमज़ोर होती हैं। उन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तनों से ही शाखाएं, जो तने होती हैं उनसे ही शाखाएं भी निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, फल फूल
निकलते हैं, ठीक है। तो तना हम जान गए ना, तना क्या होता है, तना बीज से निकला हुआ वह भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर रहता है, ठीक है। तना कहाँ से निकलता है, बीज से निकलता है जो प्रायः कहाँ रहता है, भूमि के ऊपर रहता है। कुछ पेड़ पौधे की तनाएँ मोटी होती हैं और क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, और कुछ पेड़ पौधे की तनाएँ हरी होती हैं, मुलायम होती हैं, और कुछ पेड़ पौधे की तनाएँ क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं और हरी भी होती हैं। तनों से ही क्या निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, शाखाएं निकलते हैं, फल फूल आदि निकलते हैं। अब हम पढ़ेंगे तने के कार्य, जानेंगे तने के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तना भूमि के बाहर पौधों को सीधा रखता तथा उसे मजबूती प्रदान करता है। जो तना होता है वो कहाँ होता है, भूमि के बाहर होता है, और वो पौधों को क्या करता है, सीधा रखता है। क्या करता है, वो पौधों को सीधा रखता है और उसे मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। दूसरा है, तना जड़ द्वारा भूमि से चूसे हुए जल तथा आवश्यक खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो तना है वो क्या करता है, जड़ द्वारा जो जल और खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं, किया होता है जड़, उसको क्या करता है, वह तना क्या करता है, उसे विभिन्न भागों तक पहुँचाने में क्या करता है, सहायता करता है। इसी प्रकार यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को भी पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। क्या है, जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन है उसको भी वो क्या करता है, पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक वह पहुंचाता है, ठीक है। अतः हम क्या, तना के कार्य हैं, तना क्या करता है, भूमि के बाहर रहता है और वह पौधों को मजबूती प्रदान करता है और उन्हें सीधा रखता है। तना जड़ द्वारा भूमि से, जो जड़ द्वारा, जड़ क्या करता है, भूमि से जल और खनिज लवण अवशोषित करता है, तो उस जल और खनिज लवण को तना क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक उसको पहुंचाने में सहायता करता है। इसी प्रकार ये पत्तियों द्वारा, ठीक है, इसी प्रकार जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन है, तना उसको भी क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जैसे कुछ पौधे जैसे गन्ना, आलू, अदरक आदि भोजन को अपने तनों में ही संग्रह करते हैं। जो गन्ना है, आलू है, अदरक है, ये सब क्या करते हैं, अपने भोजन को कहाँ पे संग्रहित करते हैं, तनों में ही संग्रहित करते हैं। इन तनों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे गन्ना है ना, गन्ना का हम क्या खाते हैं, तना खाते हैं। आलू का भी हम तना खाते हैं, अदरक का भी हम तना खाते हैं। ये सब क्या है, ये अपनी भोजन को कहाँ पे संग्रहित करते हैं, तनों में संग्रहित करते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं। पत्तियाँ आ गई, पत्तियाँ क्या होती है, पौधे अपने पौधों में लगी हुई पत्तियों को अवश्य देखा होगा। पत्तियाँ शाखाओं अथवा तनों पर लगी होती हैं। पत्तियाँ मुख्यतः हरे रंग की होती हैं। पत्तियों का हरा रंग इसमें उपस्थित पर्व हरित क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन कुछ पौधों की पत्तियाँ लाल, पीली, भूरी आदि रंगों को भी होती हैं। पत्तियाँ विभिन्न प्रकार एवं बनावट की पाई जाती हैं। जैसे जो पत्तियाँ होती हैं वह क्या होती है, अपने पौधों में लगी हुई पत्तियों का, आपने, हम देखते हैं अक्सर पेड़ पौधे में पत्तियां होती हैं, उन्हें तो हम लोग देखे ही होंगे, सभी लोग देखे होंगे, लेकिन वह पेड़ पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, वह किसके कारण होती हैं, किसके कारण होती हैं, क्लोरोफिल या पर्व हरित के कारण होती हैं। जो भी पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होने के कारण है क्लोरोफिल की उपस्थिति, ठीक है। क्लोरोफिल या पर्व हरित के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन जो कुछ पौधों की पत्तियां होती हैं वह कैसी होती हैं, लाल होती हैं, भूरी होती हैं, ठीक है, आदि रंगों की होती हैं। पत्तियां विभिन्न आकार एवं बनावट की पाई जाती हैं। जो पत्तियों का आकार होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, उनकी आकार और बनावट में विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है।